हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई समय हो रहा है 8:54। मैं बैठा हूँ भाई किचन के प्लेटफॉर्म पर और आ रही है भाई बहुत शानदार खुशबू, क्योंकि मम्मी जी बना रही भाई सुबह की गर्मा गर्म चाय। ये देखो भाई, मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। तो भाई गंजी में चाय बन रही है, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, भाप कितनी अच्छी निकल रही है, बिल्कुल ऐसे उठते हुए लहर में, ठीक है ना। तो इसको देख के चाय पीने की तीव्र इच्छा और जाग जाती है। गाइस ये देखो कैसी झमाझम बारिश हो रही, इसको झमाझम नहीं धूम धड़ाक वाली बारिश बोलते हैं। बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हवा पानी और बिजली, ये देखो आवाज आप सुन सकते हो धमाधम। घर के थोड़े बहुत काम निपटाए, उसके बाद भाई बिजली कड़कने लगी, बारिश का मौसम होने लगा। मैंने बोला भाई अब और काम करूंगा ना तो पानी गिरने लगेगा और मैं भाई बीच में अटक जाऊंगा, ना नहा पाऊंगा ना काम कर पाऊंगा। तो मैं गया भाई फटाफट नहाने के लिए। जब भाई साहब आपको पानी दिखा रहे थे ना, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश हो रही थी, बिल्कुल अंधड़ चल रही थी, तब भाई मैं नहा रहा था। अब भाई नहा धोकर मैं हो गया हूँ फुर्सत, बारिश भी बाहर रुक चुकी है, आंगन का पानी भी पूरा उतर गया है और भाई सब काम से हो गए हैं फुर्सत। गर्मा गर्म लंच तैयार है और गर्म गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है। बनी है बहुत शानदार दाल, कटहल की बहुत बढ़िया सब्जी, गर्मा गर्म चावल, पूरी थाली तैयार है और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। समय हो रहा है 3:35। दोनों भाई हो गए हैं तैयार और भाई यहाँ से चल रहे हैं बहुत जरूरी है कार्यक्रम, भाई सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी पौधारोपण में। तो भाई सब यहाँ से एड्रेस पता है ना कहाँ चलना है? हाँ, स्कूल में जाना है। भटकने वाला काम तो नहीं है ना, बिल्कुल लोकेशन पता कर लेंगे, जहाँ भटक जाएंगे पूछ लेंगे। ये भटकने चक्कर में एक दो चक्कर, एक किलोमीटर घुमा देते हैं भाई। नहीं नहीं पूछ पूछ के चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद भाई बहुत सारे काम है, मैंने पिट्ठू रख लिए है, मार्केटिंग भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है। तो पहले यहाँ से भाई दिमाग पूरा लग चुका है पौधारोपण में, तो यहाँ से चलते पौधारोपण, फिर धीरे धीरे सब काम निपटाते हुए आराम से आएंगे, बिल्कुल अंधेरे होने के बाद है, बढ़िया से। और आज हमने टी शर्ट पहनी भाई, मस्त लग रही है। चलो भैया, हाँ खोल दो, बटन खोल दो यार। नहीं भाई ऐसा नहीं, कैसे लगता है, पांचवी गिलास का बच्चा है, बटन बंद करके जाओ ऑफिस, ऑफिस जाओ तो ठीक लगता है। चलो कार्यक्रम में करना, आराम से चलते बढ़िया से। हम लोग पहुंच गए भाई पौधारोपण वाले स्पॉट पर और बिल्कुल भटकना नहीं पड़ा, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ता एक बार पूछा, सनसनाते हुए बिल्कुल आ गए हैं। तो पब्लिक भाई आ चुकी है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं और पौधारोपण कार्यक्रम भाई अटेंड करते हैं। मौसम भी एक नंबर का है, पौधा लगाने लायक मौसम हो चुका है और पानी भी गिर रहा था भाई, पौधा विकसित भी बहुत तेजी से हो जाएगा। तो फटाफट कार्यक्रम अटेंड करके फिर मुलाकात करते आराम से। पौधारोपण कार्यक्रम भाई बहुत शानदार हो गया है, बड़ा मजेदार हो गया है, पौधा लग गया, वो भी भाई फल वाले पौधे लगे हैं। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा लोगों को भाई फल मिलेंगे खाने के लिए। भाई यहाँ के कार्यक्रम से अपन हो गए हैं पूरी तरह से फुर्सत, तो अब यहाँ से बताओ भैया कहाँ चले? हाँ, मम्मी की दवाई लेना याद आया। हाँ, सबसे मेन तो भैया पूरे महीने भर की दवाई लेनी है, यहाँ से सीधे चलते भाई दवाई लेने के लिए, ठीक है। हम लोग पहुंच गए भाई पेट्रोल पंप, कल गाड़ी में तेल डलवाया नहीं था, बहुत कम तेल बचा था, तो भाई साहब को मैंने बोला पूरा तेल भाई फुल करवा लिया जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है, पूरा फुल टैंक। फुल टैंक। मम्मी जी की भाई हमने दवाई ले ली है, ये देखो भाई पैकेट में रख लिया, अब इसको बैग में रखते हैं और यहाँ सुनो, यहाँ से चल रहे भाई सीधे तिलहरी वाले मार्केट में पूरी मंथली शॉपिंग करने के लिए, उसमें लगने वाला भाई बहुत ज्यादा समय। इंजेक्शन इसी में रखना भाई। हाँ ठीक है, तो वो बता देंगे ना काउंटर में कि फूटेगा नहीं, भाई बैग रखवाना पड़ेगा ना काउंटर, तो बता देंगे बंदे को। सुनो यहाँ से चल रहे अपन तिलहरी वाले मार्केट में पूरे महीने की शॉपिंग करने के लिए, बड़ा मजा आता भाई शॉपिंग करने में, एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती शॉपिंग करने में, इंजॉयमेंट होता है। तो यहाँ से भाई तिलहरी मार्केट चल रहे, पूरे महीने का सामान लेंगे, बढ़िया इंजॉयमेंट करेंगे। और आज भाई साहब के दांत में दर्द है, कुल्फी नहीं खा सकते, अपन खाएंगे कुल्फी। इसको पिघला पिघला के तो खा सकते हैं यार। अच्छा वही है, ये तो वही बात होगा, दांत में दर्द होगा तो बैंड बच जाएगी। यहाँ भाई चौंको चौंको बहुत ज्यादा आवाज आ रही, तो अपन यहाँ से गाड़ी उठाते हैं सीधे, अभी हम खड़े हैं गोल बाजार में, मिला के सीधी बात ये है तिलहरी वाले मार्केट में, कुल मिला के सीधी बात ये है कि मौसम को एंजॉय करते हुए मनोरंजन करो, सब काम हो जाएगा भाई, पूरी टेंशन फ्री हो जाएगी, पूरे महीने का शॉपिंग करेंगे मस्त। बैग चैन लगी ना बैग की, एक दो तीन, हाँ चलो भाई गाड़ी निकालो, अपन चलते हैं सीधे मार्केट, एंजॉय करो, शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed.
सनन सनन गाड़ी चलाते हुए भाई मौसम को एंजॉयमेंट करते हुए हम पहुंच गए हैं तिलहरी वाले मार्केट में। समय हो रहा है 6:25 कम, ठीक है ना भाई? सबसे अच्छी बात है भाई। अरे रुको, फिर सही घड़ी चल रही है ना। हाँ, 6:25 कम, ठीक है। कितना भी जल्दी आ जाओ, यहाँ का मुहूर्त ही भाई रात का है, शाम हो ही जाती है, बर्फ जल ही जाता है, ठीक है। खुशबू आ रही है, पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही, बटर वाले पॉपकॉर्न भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। खाते हैं पॉपकॉर्न नहीं खाते, चबाने में दिक्कत होती है, इतना टाइम लगता है। सुनो ना, आइसक्रीम खाते हैं क्या? चलो आइसक्रीम खा ले। तुम बता क्या खाओ, तुम बता दो। हमें तो भाई बेचैन हो रहा, जल्दी से कुछ खिला दो यार, बहुत तेज भूख लगी भाई। पास में चलते हैं, पॉपकॉर्न की इच्छा हो तो पॉपकॉर्न खा लेंगे, आइसक्रीम की इच्छा हो तो आइसक्रीम खा लेंगे। पहले मुंह में पानी, बैग रखवा देंगे, वजन बहुत ज्यादा लग रहा है, इसको टेंशन फ्री हो गया। फिर चलते हैं स्टॉल पे, कुछ खाएंगे पिएंगे जल्दी से। भाई साहब की पहले इच्छा पूरी कर दी भाई, हमने ले लिए एक एक पैकेट बढ़िया पॉपकॉर्न, ठीक है। खुशबू तो भाई इतनी झन्नाटेदार आ रही है। पॉपकॉर्न कुछ कम दिया ना मेरे को लग रहा है। हाँ, मेरे को भी कम दिख रहा भाई। पहले पूरा ऊपर तक फैला भरा रहता था, आजकल थोड़ा सा कम कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, रेट में नहीं भाई, माल में डिस्काउंट हो गया, ठीक, कम मिलेगा। तो भाई ये खुशबू बाहर गेट से आती है, बेचैन कर देती है, तो इसको खाओ नहीं पेट का पानी पसता नहीं है। तो पहले पॉपकॉर्न फिनिश करते हैं, उसके बाद आइसक्रीम का मूड बनाते हैं बढ़िया, ठीक है। क्योंकि भाई बिना खाए पिए ना शॉपिंग करने में मजा नहीं आता। दांत में दर्द हो चाहे कुछ भी, आइसक्रीम तो मैं खाऊंगा। हाँ, खाएंगे डन, ठीक है। क्योंकि बिना खाए पिए शॉपिंग करने में बिल्कुल आनंद नहीं आता भाई, दिमाग लगता खाने की तरफ, जाओ खाने का। चलो आपके लिए भाई ये पूरा थैला है, ठीक है, ये पूरा बैग आपके लिए। तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं। पूरे 10 मिनट संघर्ष करने के बाद भाई साहब ने आइसक्रीम बनवा ली, और देखो क्या शानदार भाई, मेरी वाली आइसक्रीम इसने छीन ली मेरे। हाँ, सही बात है। देखो सुनो, ये छोटी दिख रही थी तो मैंने बड़ी वाली ले ली, क्योंकि इनके दांत में दर्द है ज्यादा, आइसक्रीम खा के क्या करेगी, फिर दांत का दर्द हो जाएगा, फिर दवाई खानी पड़ेगी। इसे छोटी खाओ, बढ़िया खाओ, मैं बड़ी वाली खाऊंगा। भाई देखो ये टीची शानदार दिख रही है, मस्त है, और इसके जैसा फ्लेवर भाई कहीं नहीं मिलता, किसी मार्केट में नहीं मिलता, किसी दुकान में जवाब है भाई, एक नंबर। तो फटाफट भाई इस आइसक्रीम को फिनिश करते हैं, दिमाग ठंडा करते हैं, और सीधे चलते हैं भाई अंदर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। टेस्ट करके बताते रहो कैसी है। एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। शॉपिंग की भाई शुरुआत हो चुकी है। भाई साहब सबसे पहले आ गए हैं राशन किराना वाले सेक्शन में, और ले रहे हैं भाई रहड़ दाल। क्या है, तौलने वाले काम में ना फटाफट काम निपटा लें तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, तो पहुँच पहुँच हो जाती है। भाई साहब का कहना है ये बाकी सामान तो निकल जाएंगे, ये सब में लगता है भाई बहुत ज़्यादा समय, तो सबसे पहले तौलने वाला काम करोगे। भैया हम खड़े हैं सेल्फ सर्विस वाले मार्केट में, लो खुद ही तौलो और फिर टैग लगवाओ, और खुद ही भाई सामान उठा के रखना है। भाई साहब ने भाई खुद ही वेट मशीन ढूंढ ली है, आराम से वजन कर रहे हैं, देखो शक्कर तौल रहे हैं बढ़िया। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे तौल रही है, ये देखो भाई वेट हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो 3 किलो 4 किलो 8 किलो नहीं 800 ग्राम भाई, अब 4 किलो। भाई साहब घर में चीनी बहुत सारी रखी हुई है, ठीक है, बहुत सारी चीनी रखी है, तो 10 किलो ले लो बढ़िया से। भाई चीनी के रेट बढ़ गए हैं, मतलब चाय महंगी मिलेगी मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग तौल रहे हैं, देखो खुद ही, ये देखो भाई खुद ही तौलो, और फिर यहाँ पर वेट देखो, और फिर बगल की मशीन जाके स्टीकर लगवा लो। भाई साहब ने व्यवस्था कर दी भाई पकौड़ी बनाने की और कढ़ी पकौड़ा बनाने की। ले रहे हैं बेसन, और जी खुला वाला बेसन हम बहुत अच्छा ले रहे हैं भाई, हमने ब्रांडेड पैकेट वाला भी लेके गए थे, वो अच्छा नहीं निकला मालूम, उसमें क्या बोलते पकौड़ी, हाँ मटर मटर मिले हुए थे। तो भाई हमने ये वाले ले रहे हैं खुला वाला, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही चने दाल की, तो समझो ये ओरिजिनल है, बढ़िया है, एक नंबर का। पूरे 20 मिनट हो गए भाई, अभी हमारा तौलने वाला काम, राशन किराना वाला काम पूरी तरह से हुआ ही नहीं, सामान निकला ही नहीं है। भाई साहब को देखो पीछे भीड़ में कहाँ घूम गए हैं, चना दाल लेने गए थे 10 मिनट से भी आए ही नहीं है भाई, भीड़ में घुसने से अच्छा है मैं यहीं खड़ा रहा हूँ ट्रॉली लेके, क्योंकि ट्रॉली इधर उधर घूम जा रही थी, मुझे अपनी ट्रॉली ढूंढने। हाँ वो दिख गए पीछे भाई साहब, देखो एकदम से कितनी तेज भीड़ बढ़ गई भाई, और सबसे ज़्यादा झुंड जो है ना यहीं मचा रहा था, भीड़ का पूरा कुंभा, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं रहती, क्योंकि पूरा राशन किराना वाला सामान यहीं है, हर किसी को तौलने में भाई लगता है ज़्यादा समय, तो अपना बस एक चना दाल और निकल जाए तो यहाँ से भाई हो जाएंगे मुक्त और जंग जीत लेंगे। फिर बाकी सामान निकाल लेके ना पूरे स्टोर में आराम से घूमेंगे। भीड़ तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और भीड़ में भाई शॉपिंग करने का अपना ही अलग मज़ा है। तो भाई साहब ने देखो साथ पैकेट ले लिया है, बस स्टीकर लगवाने के लिए घूम रहे कि कोई स्टीकर लगाने वाला खड़ा हो तो फटाफट स्टीकर लगा ले और अपना काम फुर्सत हो जाए। भाई साहब ने दाल तौल ली, शक्कर तौल ली, पोहा तौल ली, अब भाई डिटर्जेंट के ब्रांडेड पैकेट को भी तौल रहे हैं, बोल रहे हैं वजन कम रहता है, कुछ में बिल्कुल बराबर रहता है। तो भाई साहब ने भाई 15 ग्राम तक का वजन कम कम वाला पैकेट निकाला है, और मेरे को भी दिखाया कि भाई देखो वजन कम है, तो ऐसे तौल तौल के इन पैकेट ले रहे हैं। भैया जागो ग्राहक जागो, पैकेट के पीछे ना भागो, वजन के पीछे भागो। दिखाओ कितना है, देखो दिखाओ दिखाओ कैसा है, ये देखो गाइस पूरा परफेक्ट है, इसी में कोई 988 ग्राम का आ रहा है, कोई 980 ग्राम का भी आ रहा है। तो भाई ब्रांडेड पैकेट पे भरोसा मत करो, तौल लो उसको भी।
भाई साहब ले रहे हैं साबुन। मैंने बोला भाई साहब लेमन वाला लेना, क्योंकि मैंने भाई हर प्रकार का साबुन लगा के देखा है जितने भी मार्केट में आते हैं, मेरे को ये वाला थोड़ा ठीक लगता है और हर महीने भाई मैं यही उपयोग करता हूँ। सुनो चंदन वाले ले गए थे पर मजा नहीं आया चंदन वाले में, ये सही है ले लो तुम, चार पैकेट ले लो बढ़िया। भाई साहब को मैंने बोला सब सामान छोड़ो, ये पफ ले लो, ये सब पफ ही बोलते ना भैया, भाई बचपन की चीजें हैं बड़ी अच्छी लगती। पिछले बार मैं दो पैकेट ले गया था, बड़ा शानदार स्वाद रहा, तो अभी मेरे को दिखा आज तीन पैकेट ले लो, सही बात है, खाएंगे बढ़िया चाय के साथ भाई, बहुत बढ़िया लगता है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती पफ खा के। मम्मी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला सब सामान ले लिए कि नहीं, मैंने बोला मम्मी शॉपिंग चल रही है, बोले ओट याद से ले लेना, मेरा बिल्कुल ले लेंगे भाई, सुबह और शाम का नाश्ता तो यही है मम्मी और हमारा और पूरे परिवार का भाई सबसे फेवरेट नाश्ता है तो ओट है। हेल्दी चीज़ें खाओ, चटर पटर मत खाओ बढ़िया से, भाई साहब तीन पैकेट ले लो बढ़िया, ठीक है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, भाई साहब को मिल गया है फैमिली पैक भाई टोस्ट वाला, कम से कम 7 से 8 महीने के बाद ये कॉम्बो पैक इस मार्केट में आया भाई, इसके बीच में तो आ ही नहीं रहा था, भाई साहब ने टोस्ट खाना छोड़ दिया था जब से ये नहीं मिला है ना भाई साहब, बहुत अखर थी भाई यार, टोस्ट बहुत अच्छा है, फैमिली पैक ले लो बढ़िया। भाई साहब दो पैकेट ले लिया जाए इसके, चाय के साथ मस्त खाएंगे। भाई साहब को मैंने याद दिलाया भाई चाय पत्ती तो ले लो, सुबह शाम की खांटी धूप की खाकी चाय कैसे पियेंगे, तो भाई साहब ले रहे हैं चाय पत्ती फुल फैमिली पैक, ये सबसे जरूरी है भाई, इसके बिना तो जीवन असंभव है, सुबह चाय चाहिए शाम चाय चाहिए, 1 किलो चाय पत्ती लग जाती है हमारे 1 महीने में। मिल गया भाई साहब का सबसे फेवरेट चीज भाई नूडल्स, जिसके भाई साहब दीवाने हैं, रात को भी बना देते हैं सुबह भी बना देते हैं, भाई साहब 4 पैकेट ले लिया जाए नूडल्स, ठीक है मढ़िया नूडल्स पार्टी करेंगे बहुत शानदार। हम लोग पहुंच गए भाई मसाला सेक्शन, यहाँ पर बहुत सारे मसाले जिनके नाम भी भाई हमें नहीं पता, वो भी मसाले यहाँ रखे रहते हैं, पर हम ले रहे हैं भाई दैनिक यूज वाले मसाले जो अपनी जिंदगी में लगते हैं, जीरा है, राई है, गरम मसाला है, मिर्ची है, मेथी है, ये सब चीज़ें लो, अब जाके एडवांस वाले तो अपने काम के नहीं रहते हैं, भाई साहब अपने जो दैनिक यूज़ वाले ना वो मसाले ले लो जो पर्ची में लिखे हों। भाई साहब देख रहे हैं चम्मचों का सेट, ये नॉर्मल सेट नहीं है भाई, जो आप मसाले यूज़ करते हो ना उसको नापने वाली चम्मचें हैं, दिखा ना भाई सबसे छोटी चम्मच से लेकर सबसे बड़ी चम्मच से, 7.5 ml, अच्छा ठीक है, उससे बड़ी तक है ना, 15 ml, हाँ ये 60 ml, अच्छा बढ़िया है यार, पूरा सेट बना हुआ है भाई, एक सेट ले लो बढ़िया आपका काम निपट जाएगा, 100 ml, अच्छा और ये कितने की है, ये कितने की है, 250 ml, वाह यार बहुत बढ़िया चीज है, तो एक सेट ले लो पूरा काम निपट गया आपका, बढ़िया है। भाई साहब के फेवरेट डिब्बे भाई उनको मिल चुके हैं, भैया ये डिब्बे ले जाते नहीं बनेगा, सामान ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है अपने पास में, अच्छा मजबूत है, नहीं तो इसके दूसरी खेप में ले चलेंगे ना, एक दो दिन बाद आएंगे तब ले चलेंगे, और ये वाला दिखाना, ये तुम जो बोले थे ये डिब्बा आ गया, ये डिब्बा आ गया, हाँ भाई ये डिब्बा बहुत शानदार लग रहा मुझे तो, और सही है कितने 250 का है ये, पर चीज़ अच्छी है भाई, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्वालिटी 10 किलो आटा आ जाएगा आराम, है ना, ये अच्छा लग रहा मुझे, ये ले लेंगे अपन बढ़िया रहेगा। बहुत सारा सामान भाई हमने ले लिया, पूरी ट्रॉली तो इतनी भारी हो गई कि भाई साहब को आगे से खींचना पड़ रहा चलाने के लिए, और एक चीज़ तो भाई हम भूल ही गए थे पापड़ लेना, तो मैंने बोला भाई पापड़ तो ले लो, क्योंकि खाने के साथ तो पापड़ ही खाने में मज़ा आता ना, दो पैकेट बल्ले बल्ले ले लो भाई, और देख लो और दूसरी कोई वैरायटी हो तो वो भी ले लो। घर में इतनी सारी कैंची है, बड़ी छोटी कैंची सब कैंची है, पर भाई साहब को नई कैंची लेनी, बोले नहीं सामान के लिए हमें नई कैंची चाहिए, क्या काटोगे ये बताओ भाई, हैं आपके कपड़े, हमारे कपड़े क्यों काटोगे, एक तो खरीद के देते नहीं है, ऊपर से हमें काट दोगे कपड़े तो हम पहनेंगे क्या, हैं हम पेड़ पत्ता लगा के घूमेंगे क्या पीछे से, बताओ ना सही बताओ किस काम से ले ले रहे हो, कोई भी पैकेट वगैरह फाड़ने काम आता ना, अच्छा जैसे तेल मेल के पैकेट है ये सब पैकेट, तो छोटी ले लो मीडियम ले लो, एक काम करो बड़ी वाली तो है अपने पास, मीडियम कैंची ले लो ये ठीक रहेगी, हाँ ये ठीक रहेगी बढ़िया रहेगा, कुछ भी काट सकते हैं, कलर अच्छा लो ना यार बढ़िया सा, लाल टाइप का कोई कलर ले लो, लाल टाइप हरा गुलाबी, तो सीधे गुलाबी ले लो बढ़िया है, एक नंबर। लगभग लगभग भाई पूरी शॉपिंग हमारी हो चुकी है, समय हो रहा है 8:35, बहुत सारा सामान भाई साहब ने ले लिया है, पूरी ट्रॉली भाई मेल तक नहीं रही है, थक गया हुआ, इनको पानी भी पिलाया भाई, मैंने एक बोतल पानी पिलवाया बढ़िया ठंडा ठंडा, मैंने बोला थोड़ी सी घूम लो काम कर ले, भाई बहुत सारा सामान हम नहीं ले पाए क्योंकि भाई इतना सारा सामान हमको बाइक में लेके भी जाना, ठीक है, और ये देखो भाई ये पूरी ट्रॉली भर गई हमारी, देख रही होगी ऊपर से थोड़ी खाली पर नीचे बहुत सारा, जब बैग में भरेंगे तब पता चलेगा कितना सामान है, तीन
तीन बैग एक भाई हिलेगी भाई। ठीक है अब यहाँ से भाई सीधे चल रहे हैं अपन, एक दो सामान और उठा ले और सीधे चल रहे भाई बिलिंग काउंटर में, वहाँ भी लगने वाला 15 से 20 मिनट समय। ठीक है आज जल्दी फुर्सत होगा क्योंकि जल्दी आए थे, जल्दी फुर्सत हो गए, नहीं तो रात के 10 से 10:30 11 बजे तक तो 11 बजे निकले पिछले है ना। अभी गार्ड बोल ही रहा था सर आपको रात हो जाएगी शॉपिंग करते करते, हमने बोला नहीं उतनी नहीं करनी, बाकी शॉपिंग अपन कल। यहाँ के मेंबर भी समझ गए कि तुम 4-5 घंटा लगाते हो सामान भी तो लेते भाई पूरा महीने भर का आराम से। चलो अब यहाँ से सीधे चलते भाई बिलिंग काउंटर में और फिर उसके बाद सीधे बाहर मिलते हैं। पूरी शॉपिंग हो गई भाई कंप्लीट, बिलिंग करा के हम लोग आ गए हैं बाहर, समय हो चुका है 9:20 और भाई ये देखो एक थैला दो थैला तीन थैला और चार थैला। ठीक है ये देखो पूरा पूरा देखो ये देखो पूरा भाई गजब का ठोस ठोस सामान है। मैं तो सोच रहा था कि तीन ही थैला होंगे पर हो गए भाई चार थैला। अच्छा वो मैं पिट्ठू ले आता हूँ, बहुत सारा सामान इसमें भी घुस जाता है। अब यहाँ से भाई ट्रॉली से चलते हैं नीचे और जो अपनी गाड़ी खड़ी वहाँ पर, ठीक है वहाँ गाड़ी खड़ी है, पूरा सामान रखते हैं और यहाँ से भाई मौसम को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे। वजन तो हो गया बहुत ज़्यादा, वजन बहुत तेज हो गया है, हमें जाना है पूरे 10 किलोमीटर दूर, आराम से बाइक को एंजॉय करते हुए मौसम को एंजॉय करते हुए सामान को संभालते हुए घर पहुँचते हैं भाई। मज़ा आ गया भाई शॉपिंग में, नहीं मंथली शॉपिंग में मज़ा आ गया, आनंद आ गया भाई शॉपिंग करने में, मेरे को भाई बहुत मज़ा आता है, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है मंथली शॉपिंग में, ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ पूरा सामान एक बार में ले लो, टेंशन फ्री हो जाओ महीने भर के लिए। पहुंच गए भैया घर, मुंह हाथ धोकर हो गए हैं फुर्सत, आके भाई खड़े सीधे किचन में क्योंकि हो गया भाई समय डिनर का। और अभी समय मालूम कितना हो रहा है, 11:10 गर्मा गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है, बना है भाई बहुत शानदार कढ़ी पकौड़ा, ये भाई आम की चटनी, लौकी की सब्जी, गर्मा गर्म चावल, पूरी थाली तैयार है और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। हे गाइस समय हो रहा है 1:04, हो गई है बहुत रात, अब बैठ रहे हैं भाई व्लॉग को एडिट करने के लिए, तो करते हैं व्लॉग की यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।